ओके सो गाइस, हम लोग आ चुके हैं ब्रांड न्यू वीडियो के साथ। एंड आज का शॉर्ट टाइम वीडियो थोड़ा सा अलग है। आज के इस वीडियो में मैं तुम लोगों को बताऊंगा, मेरे साथ एक बार एक हादसा हो गया था फेक अकाउंट के वजह से, मतलब तुम लोगों को बताता हूँ। सो अपन स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो डूड, जब मैंने अपना नया इंस्टाग्राम खोला था तब मैं यूँ ही अपने स्कूल के दोस्तों को नाम सर्च करके फॉलो कर रहा था एंड उन्हें मैसेज करता था। एंड तभी मुझे इंस्टाग्राम के बारे में पता नहीं था एंड मुझे यूज़ भी करने नहीं आता था। तो वही मैं अपने दोस्तों को पूछता था कि कैसे यूज़ करते, हाइड कैसे करते एंड ब्लॉक कैसे करते। तो उसके थोड़े वीक के बाद मुझे आने लग गया सब कुछ, तो मुझे सब कुछ पता चल गया था इंस्टाग्राम के बारे में। तो डूड, एक दिन मेरे साथ मेरा एक दोस्त है जिसका नाम शाद अली है, उसने अपने स्टोरी में एक लड़की की फ़ोटो डाल दी जिसका नाम था शिफा जन्नत। तो वो लड़की को देखने के बाद मैं जिसकी एकदम आँखों में तेरी अजब सी अदाएं हैं। तो मुझे वो लड़की दिखने में तो बहुत अच्छी लगी थी एंड मैंने अपने दोस्त के बारे में पूछा एंड वो सही भी दिख रही थी। तो मैं अपने दोस्त के बारे में उसको पूछा कि वो कौन है, तो एंड व्हाट ही वाज सेड मालूम कि उसने बोला वो मेरी अगली है, अगली मतलब जी है, ये तो वो ये वाली वो भाषा है, हाँ मैं छपरी वाली भाषा है, तो उसको इग्नोर करो। तो मैंने उसको पूछा इसके बारे में एंड पूछने लगा ये तेरी क्लास की शिफा जन्नत है, एंड मेरे को पूछने लगा राव सेना। तो मैं उसको बोला हाँ राव सेना, तो मुझे बोलने लग गया फिर चुप रहे डर के, गजब बेइज्जती है। देन उसके दो दिन की बात मैंने अपने ये बात अपने भाई को बताई वो लड़की के बारे में। तो मेरा भाई बोलने लग गया कौन है, नाम तो बता, मैं भी उसको मैसेज करता हूँ। तो मैं उसको बोला अरे भाई मैं खुद उसको मैसेज नहीं किया तो तू किधर से करेगा। तो मेरे को बोलने लग गया अरे भाई तू मेरे को लिंक तो सेंड कर दे उसके आईडी की, तो अब देखते अपन, मैं मैसेज करता हूँ, रिप्लाई दिया तो ठीक। एंड गेस व्हाट, एंड उसके थोड़े दिन के बाद मेरे भाई ने उस लड़की को मैसेज किया एंड वो मैसेज करता है, उसके थोड़े टाइम के बाद वो लड़की का सामने से रिप्लाई भी आता है एंड आई वॉज बी लाइक ओ भाई मारो मुझे, ये मजाक हो रहा है। फिर जब उस लड़की ने उसको मैसेज किया तो फिर मेरे अंदर का हिम्मत वाला बाहर आया एंड मेरे अंदर भी थोड़ी सी हिम्मत आई, तो मैं भी उस लड़की को मैसेज करने लग गया। एंड लेकिन उससे कुछ फ़ायदा तो हुआ नहीं, हर मूवी की तरह वो एक होता है ना, मारो हमको जिंदा मत छोड़ो सालो, हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। तो मैंने उससे सुबह 10:30 को मैसेज किया था एंड उसके रिप्लाई आने का वेट कर रहा था, लेकिन आधा घंटा हो गया, एक घंटा हो गया, लेकिन तब भी उसका रिप्लाई आया नहीं। तो फिर मैं वो गाना सुने लगा, काश ये दिल टूटा न होता, होते न हम जुदा। लेकिन तभी गेस व्हाट, मुझे वो सामने से रिप्लाई भी करती है एंड आई वाज बी लाइक अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मैं उससे पूछने लग गया कि हाउ आर यू, मतलब तुम समझ रहे हो मैं अभी उसको जानता भी नहीं हूँ एंड उसको पूछ रहा हूँ हाउ आर यू। तो मैंने उसको उसके बारे में पोस्ट के बारे में लाइक किया, बोला पोस्ट को लाइक किया एंड उससे 4-5 घंटा बात भी करता था, लेकिन वो एक होता है ना वो ब्लैक शेडो दे, वो आ गया। तो बेसिकली मैं अपने इंस्टाग्राम पे जो ट्रेंडिंग पोस्ट रहता ना वो पोस्ट देख रहा था एंड यू ही स्क्रॉल कर रहा था, लेकिन तभी मुझे वो लड़की का फ़ोटो देखता है एंड वो पोस्ट देखने के बाद मैं बोलने लगा अरे वाह ये लड़की तो ट्रेंडिंग पे आने लग गई। देन उसके पोस्ट पे जब मैं क्लिक करता हूँ तो पूछो क्या होता है, देन मैं उसके पोस्ट देखने के बाद मैं जैसे कि देखा आपने लापरवाही का नतीजा है, मैं उसके रियल नाम को देखता हूँ तो उसके नाम के बाजू में ब्लू टिक आई मीन पॉपुलर टिक का निशान भी रहता है एंड उसका नाम नाइशा खन्ना ऐसा नाम था उसका। एंड वो देखने के बाद उसके नाम पे रियल नाम क्या है एंड वो एक पॉपुलर टीके एंड मैं जिसकी फिर में तो मेरा तो दिल ना टूटा है तो दिल कभी जलता है हाँ थोड़ा दर्द, लेकिन मैंने अपने टूटे हुए दिल को संभाला एंड उस फेक आईडी पे जो उसको बोला हूँ ना कसम से डूड
वो वापस फेक आईडी बनाने के बारे में कुछ सोचेगा भी नहीं, सोचने के पहले ये बनाने के पहले 10 बार सोचेगा। तो ये बात मैंने अपने दोस्त भाई भाऊ बेस्ट फ्रेंड मैं तो कहता हूँ पुरुष ही नहीं है, बुद्धिमान है, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि आप पुरुष ही नहीं, महापुरुष है, महापुरुष, महापुरुष। तो उसको मैंने ये बात बताई तो ही वॉज बी लाइक मस्त जोक मारा रे, ये हंस रे हल्का हंस। एंड फिर हम लोग उस चीज से जैसे तैसे बाहर निकले एंड एक बार सोच ली कि आज के बाद कभी भी किसी लड़की को मैसेज नहीं करेंगे एंड ना ही रिक्वेस्ट भेजेंगे मैसेज करने की, क्योंकि सावधानी बरतनी पड़ेगी। ऐसे हालात में बेहतर यही है कि वक्त रहते इंसान सतर्क होकर अपने जज्बात को काबू में रखकर अपने कदम पीछे हटा ले और अपनी जिंदगी को एक नई दिशा की तरफ मोड़ने की कोशिश करे। आपसे फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में एक और नए केस के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और याद रखें, सही वक्त सही कदम, सतर्क रहें। जय। तो दोस्तों बेहतर ये हो कि आप इन ऐसे फेक आईडी से बचे रहें एंड कभी भी किसी को मैसेज करने के पहले 10 बार सोचे। ये वीडियो आज का वीडियो यही था। अगर तुम लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करो एंड तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।